माननीय उपराज्यपाल जी ने जो सुबह दिल्ली की सरकार को आदेश दिया है 97 करोड़ रुपए जमा कराने का, भारतीय जनता पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। और यह फैसला इस बात की भी पुष्टि करता है कि हम जो लगातार केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये उसका ताजा उदाहरण है। मेरी राय में ये अमानत में खयानत है। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा आप अपना चेहरा चमकाने के लिए करेंगे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। यह पैसा दिल्ली के विकास पर लगना था, यह पैसा दिल्ली के आगे बढ़ाने के लिए लगना था, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा चमकाने के लिए इस पैसे का दुरुपयोग किया। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना, उनका शोषण करना इस सरकार की फितरत है। वो हमने सत्येंद्र जैन के वीडियो से भी देखा कहते वो सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। इस पूरे विषय में जब मनोज जी प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी कुछ डेवलपमेंट शुरू हुई थी। माननीय रामवीर सिंह जी ने भी इस पूरे विषय पे समय रहते कुछ पत्राचार किया है। ये दोनों सज्जन पूरे विषय को विस्तार से आपके सामने बताएंगे, तो मैं निवेदन करता हूँ मनोज तिवारी जी से कि वो इस चर्चा को आगे प्रारंभ करें। श्री मनोज तिवारी। धन्यवाद तिवारी, मैं निवेदन करता हूँ मनोज जी से। धन्यवाद प्रदेश जी। हमारे दिल्ली बीजेपी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जी ने विषय रखा और जिसपे हम लोग थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, हैरान है हम सब ये सुन के। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम कोई शब्द ही नया नहीं मिल पाता कि किसी के बेईमानी के नियत के कितने सोपान हो सकते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कैसे ये सोच सकती है कि सरकारी खजाने से हम अपने राजनीतिक पार्टी का चेहरा चमकाएं, अपना चेहरा चमकाएं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी अपना चेहरा चमकाएं और वो पैसा सरकारी खजाने से निकले और सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के निर्देश के बावजूद वो पैसा नहीं जमा करना है। ये सब कुछ सुनकर के दिल्ली के जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, जो लोग गंदे पानी से परेशान हैं, जो लोग अपने अपने कॉलोनियों में टूटी फूटी सड़कों से परेशान है, उनको क्या गुजरेगी कि सरकार सरकारी खजाने से आम आदमी पार्टी की सरकार पैसे निकाल करके राजनीतिक पार्टी पे खर्च कर लेती है। तो फिर एक बार मन में आता है कि ये तो सही है, जिसके फितरत में ही बेईमानी हो तो वैसे अरविंद केजरीवाल को और किसी विभूषण से क्या हम उनको संबोधित करें। कुछ बातें हम आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं। जो आज 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को, सरकार को नहीं, आम आदमी पार्टी को निर्देश दिया गया कि आप तुरंत इसको जमा कराए, सरकारी खजाने में जमा कराए, उसका भी 2 पार्ट है। और इस जानकारी के बाद भी उनकी तरफ से इतना हास्यास्पद बयान आएगा, ऐसे सारे भ्रष्टाचार के उजागर करने वाले पत्रों को वो कह देंगे लव लेटर है। मतलब वो दिल्ली के लोगों के दिमाग के साथ भी खेलेंगे कि इन गंभीर मुद्दों को गंभीर ना बनने दिया जाए। आज हम सब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटेड कमेटी सीसीआरजीए ने आम आदमी पार्टी को आदेश दिया है 97 करोड़ रुपए जमा करना है सरकार के खजाने में। ये सारे आदेश की सारी कॉपी है, हम सब तो थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको और भी सारी जानकारियां मिलेंगी और तब दिल्ली के लोगों को पता चलेगा कि मीठी मीठी बातें करने वाले, गंभीर मुद्दों को डाइवर्ट करने की कला रखने वाले अरविंद केजरीवाल की मूल नीयत क्या है। मूल नीयत उनकी दिल्ली के लोगों को सिर्फ आंसू और दर्द देना है और लूट का एक नया रिकॉर्ड बनाना है। आपको मैं बताते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस हैज ब्रॉट आउट दैट नॉट ओनली डिड डीआईपी नॉट रिकॉर्ड अमाउंट वर्थ रुपीज 42 करोड़ 26,81,265 रुपए, बल्कि इट ऑल्सो प्रोएक्टिवली पेड द पेंडिंग अमाउंट रेदर देन गेटिंग इट पेड बाय द आम आदमी पार्टी। मतलब आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, सरकार में कोई ना कोई राजनीतिक दल आता है, लेकिन राजनीतिक दल का खर्चा अपना अलग है। वो तो जो करप्शन इनके हैं, जितने करप्शन करके जितने आरोप लगे हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन आप सीधे सीधे सरकार के खजाने से 97 करोड़ निकाल लिए और कोर्ट ने क्या आदेश दिया, मतलब कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी ने इनको आदेश दिया था 16/9/2016 को कि आप 42,26,81,265 रुपए स्टेट एक्सचेकर को तुरंत जमा कराए। स्टेट एक्सचेकर मीन सरकार को खजाने, लेकिन उन्होंने जमा करना तो दूर, अभी आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 2022 के इस 20 दिसंबर को, तो 2017 के बाद से और कितना खर्च ये लोग अपनी पार्टी पे सरकार के खजाने से किए हैं उसका डिटेल अभी नहीं दिया हुआ है, अभी उसका तो आना बाकी है। ये तो जो हम आपसे बात कर रहे हैं 2017 तक है, 30/3/2017 को आम आदमी पार्टी को उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने निर्देश दिया इसको जमा कराइए, और उसके पहले 16/9/2016 को ये फैसला हो गया था कि ये पैसा इन लोगों ने अपनी पार्टी और अपना चेहरा चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खर्चा किया, इसलिए इसको जमा करना होगा। 30/3/2017 के बाद भी तो बहुत सारे खर्चे इनको दो तरह से पे करने को बोला गया था, 42,26,81,265 रुपए स्टेट एक्सचेंज मनी सरकार के खजाने में और 54,87,87,872 रुपए ये कंसर्न एजेंसी को सीधे देने की बात की गई थी, जिनसे एडवर्टाइजमेंट कराया, जिन जहां भी एडवर्टाइजमेंट हुआ, और ये सब कुछ 30 दिन के अंदर करना था, लेकिन तब से इस पे कुंडली मार के आम आदमी पार्टी के मुखिया बैठे हुए हैं। आज पुनः जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इस पे पार्टी प्रसन्नता व्यक्त करती है कि आज उसे उस वसूली के लिए कड़ाई से आगे बढ़ा गया है और हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम धन्यवाद करेंगे रामवीर सिंह बिदुड़ी जी का। रामवीर सिंह बिदुड़ी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इन्होंने द इंस्टेंट फाइल डीलिंग विद द कंप्लेंट ऑफ श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ऑल्सो हाईलाइटेड द इशू ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। रामवीर सिंह बिदुड़ी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया, पत्र लिखा, और जिसका परिणाम है कि आज आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए 2017 तक के वसूल करने का आज पुनः प्रक्रिया शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये अब विद इन 30 डेज इनसे तुरंत सरकारी खजाने में और कंसर्न एजेंसी को जमा करवाया जाए। अगर नहीं जमा करते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो संविधान का लगातार उल्लंघन कर रहा हो इसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। संविधान से देश चलता है। सर, एक बार क्लियर कर दीजिए, 2009-2016 दोनों में कहा गया था कि पैसा सबमिट कराना है। नहीं नहीं, 16 सितंबर। सर आप इसको क्लियरली समझ लें कि ये 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को जमा कराने होंगे। ये डिसीजन हुआ था 16-9-2016 को और आम आदमी पार्टी को इंस्ट्रक्शन गया 30 दिन 2017 को फैसला आना और पार्टी को इसका इंस्ट्रक्शन जाना। तो इसको एक प्रकार से समझे कि 2017 से इनको कहा गया, 2017 में 30 मार्च 2017 का आ गया 30 दिन के अंदर, मतलब अप्रैल 30 तक इनको पैसा जमा कर देना था। तो अब तो उस पैसे का बहुत सारा इंटरेस्ट भी हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में, और ये आपको ध्यान रहे कि ये 2017 तक का ही है, 2016 तक का है ना, 16 तक का है ना, 17 को ऑर्डर आया, ऑर्डर है 17 तक का, ऑर्डर बाद का 2022 तक भी बहुत सारे अनियमितताओं का अभी आशा है, लेकिन उस पे अभी तक उनका डिटेल रिपोर्ट आई नहीं है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतनी बात करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति दिल्ली को लेकर के हम सजग हैं, हम दिल्ली के लोगों की सुविधाओं के लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं और दिल्ली को लूटने वाले लोगों पर नजर भी रख रहे हैं। ऐसा काम हमारे रामवीर सिंह लोढ़ी के पत्र ने किया है। हम एक बार पुनः मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि ऐसे फितरती बेईमान अरविंद केजरीवाल को यथाशीघ्र इस पैसे को जमा कराया जाए और जमा करने की जो देरी हुई है उसका इंटरेस्ट लगाया जाए और इस तरह के बेईमानी की नियत के लोगों को संवैधानिक रूप से सजा भी दी जाए। धन्यवाद मनोज जी। अब मैं निवेदन करूंगा नेता प्रतिपक्ष